है फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ही बोलूँगी। शाम का टाइम है, 9 बज चुके हैं। शाम नहीं, रात का टाइम है, 9 बजे है। और अभी मैं आपको रेडी दिख रही हूँगी। तो क्यों रेडी हुई है, हुई हूँ। लास्ट एक दो ब्लॉग से बोल रही थी कि मेरा बर्थडे है, तो आज मेरा बर्थडे है। इस वजह से जो कल मैंने ड्रेस पहनी थी, जो आपके साथ शेयर की, वही पहनी है। और अभी हस्बैंड जस्ट एक 10 मिनट हुए होंगे घर पे आए, तो अभी हम बाहर जा रहे हैं देवी के दर्शन करने। लास्ट टाइम न्यू ईयर था तो जब हम गए थे ना, ये लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो लास्ट टाइम जब न्यू ईयर था तब हम लोग जहाँ पे गए थे मंदिर में दर्शन करने, लेकिन हमारा दर्शन नहीं हुआ था। वही पे सेम जगह पे हम जा रहे, तो इसलिए हस्बैंड ने सुबह ही बोल के रखा था कि दिन भर तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उनको अपना काम था। तो तुम रात को रेडी रहना, हम रात को चले जाएंगे। तो अभी वहीं पे दर्शन लेंगे और फिर घर चले आएंगे। तो ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, बलून लेके आए थे हस्बैंड मेरे लिए, ये देखिए। पोपट कर दिया, तो मैंने उनका पोपट कर दिया क्योंकि वो आए बाइक से। तो मैंने नीचे देख लिया था क्योंकि जनरली 8 बजे के बाद हम लोगों को आदत है दोनों को कि वो आए कि नहीं देखने की। तो मैंने देख लिया गाड़ी आई हुई है, तो मैंने दरवाजे पे सीधा दरवाज़ा खोला और वो चुपके से बाहर बलून फुला रहे थे और मेरे लिए फ्लावर्स लेके आए थे। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर फ्लावर्स है। कुछ थे बोले कुछ, अच्छा यही पे मैंने देखे नहीं थे। ये देखे, ये फ्लावर्स लेके आए मेरे लिए और बलून लेके आए और एक चीज़ लेके आए, वो भी दिखाती हूँ। केक का मैंने उनको मना किया था क्योंकि मैं केक बनाने वाली थी और मैंने बनाया भी। आपको थोड़ा सा फुटेज उसका दिखा दूँगी वीडियो में, आप देख लीजिएगा। ये देखिए, तो ये केक मैंने प्रिपेयर किया लेकिन ये ख़राब हो चुका है, ठीक से वो पका ही नहीं। सेंटर से हो गया और बेस में हुआ ही नहीं और साइड से भी हो गया, तो वो मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। तो और एक चीज़ लेके आए मेरे लिए, आपको वो भी दिखाती हूँ, कल को नहीं दिखाया है। कैडबरी लेके आए बहुत सारे सालों के बाद। तो मुझे कैडबरी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, सबको ही होती है, मुझे ही पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कल जब से हुआ है तब से मैंने कैडबरी खाना छोड़ दिया क्योंकि वो खाता है तो मैं कभी भी नहीं खाती। थोड़ी सी खा ली लेकिन उसमें भी वो रोता है, तो खास मेरे लिए लेके आए और बहुत बड़ी है इसलिए वजह से मैंने छुपा के रखी, क्योंकि कल्प ने अगर देख ली तो वो पूरी की पूरी खा जाएगा। और अभी थोड़ा बहुत ठीक हुआ है बीमारी से, तो अभी उसके लिए इतना चॉकलेट एक साथ देना ठीक नहीं, इसलिए थोड़ा सा छुपा के रखा है। तो टीवी चल रहा है बाहर और हम लोग रेडी हो चुके हैं। मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ कि कैसा है, तो बताइएगा ज़रूर अगर आपको पसंद आता है तो। इसके साथ मैंने मैचिंग ज्वेलरी की है और इयररिंग्स भी, और मैंने अपने बाल जो यहीं पे रखा हुआ है वो भी दिखाई थी स्ट्रेटनर, उसे आज स्ट्रेट की है। मैं नहीं करती, कभी कभार ही करती हूँ, लेकिन आज बहुत सारा टाइम था और बोर हो गई थी तो आज मैंने थोड़े से बाल भी स्ट्रेट कर लिए। तो ड्रेस एक्चुअल में मतलब दिन में इसका कलर और ज़्यादा अच्छा लगता है, अभी रात का टाइम है इस वजह से इतना खास नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत सुंदर ड्रेस है, एकदम परफेक्ट आया है मुझे। पसंद अगर आता है आपको तो लाइक जरूर कीजिए और अभी मैं सीधा आपको मिलती हूँ मंदिर में। बाय बाय। अभी शायद मतलब हैट्रिक नहीं हुई है लेकिन ये सेकेंड टाइम है कि मंदिर बंद हो चुका है। ये देखिए कुछ शॉप्स वगैरह खुले हैं लेकिन मेन मंदिर जो ऊपर कहाँ पर घात करूँ, ऊपर इस तरफ जो लाइट दिख रही है वहाँ पे मंदिर है, वो कलश है मंदिर का, तो मंदिर बंद जो हो चुका है। और मैं इतना क्रॉस करके आई, क्रॉस करने में मुझे 5 मिनट लग गए। ये देखिए फुल हाईवे है और फुल चलता है ये, तो क्रॉस करने में 5 मिनट लगे और ये यहाँ पे आके मुझे बोल रहे पोपट पोपट। तो आज ये सेकेंड टाइम पोपट हो गया,
क्योंकि सिर्फ ट्यूसडे को मंगलवार को मंदिर 12 बजे तक खुला रहता है, बाकी दिन बंद रहे, मतलब 9 बजे बंद हो जाता है। तो लास्ट टाइम भी न्यू ईयर ट्यूसडे था, इसलिए हम आए थे तब एकदम उसी टाइम पे बंद हुआ, और आज भी सेम हुआ, सिर्फ टाइम चेंज हो गया। आज 9 बजे आए हम और 9 बजे बंद हो गया। तो क्या कर सकते, शायद भगवान ही नहीं चाहते हम दर्शन ले, ऐसा ही चल रहा है, लेकिन आएंगे, ज़रूर आएंगे। अभी इसके बाद सुबह सुबह आके दर्शन लेंगे तो खुला रहेगा। तो ये बर्थडे के दिन भी मेरा दर्शन नहीं हो पाया, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, ये लोग खेल रहे हैं, बुरा लग रहा है लेकिन बहुत, कि मतलब सेकेंड टाइम भी दर्शन नहीं हो पाया ऐसे। चलो अभी आइसक्रीम खा के आते हैं। आइसक्रीम कुछ आता है तो खान बैठ के ना अपन खा लेंगे। खाने से पहले कौन आइसक्रीम खाता है? कुछ भी, चलिए अभी खाना खा के घर जाते हैं, फिर क्या कर सकते हैं। नो की जान, अभी घर जाने का, खाना खा के शाम का टाइम में लग ही नहीं रहा है। शाम ही बोल रही हूँ कब से, हमें आदत नहीं है रात को बाहर निकलने की, तो रात का टाइम में ऐसे लग ही नहीं रहा है, फुल रोड चल रहा है फुल। कैसा लग रहा है पोपट को के? इनको तो आज दूसरी बार पोपट हुआ है, मेरा तो एक ही बार हुआ है, क्योंकि ये बलून के साथ मतलब वो सब कुछ जो लेके आए थे उसके साथ भी इनका पोपट हो गया, अभी सेकंड बार टाइप हो गया। नाम चेंज करना पड़ेगा, क्या रखना, पोपट रखना पड़ेगा, किसका, आपका या मेरा? पोपट, कोई शक किसका, लेकिन आपका या मेरा पोपट रखना पड़ेगा, पता नहीं, कोई शक। कल्प का ही रख देते हैं पोपट नाम, क्योंकि उसको तो कुछ समझ में नहीं आता। और अभी यूनिवर्सिटी के सामने हम लोग, ये देखिए मैं उंगली करने में मतलब थोड़ा सा, कहाँ पे मुझे उंगली करनी है, कहाँ पे उंगली, मतलब फिंगर मुझे पॉइंट आउट कहाँ पे करना है, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कैमरा में देख के। तो ये यूनिवर्सिटी के सामने से गुजर रहे अभी हम, जंगल, इसको मेरे हस्बैंड हमेशा जंगल ही कहते हैं, क्योंकि अंदर पूरा जंगल है। कभी दिखाऊंगी आपको यूनिवर्सिटी भी, तो देखेंगे अगर जाने दिया तो, और आपके साथ भी शेयर करूंगी पूरी यूनिवर्सिटी। तो अभी तो हम हस्बैंड को लगा कि मेरी वाइफ बहुत काली दिख रही है, दिख ही नहीं रही, तो उन्होंने लाइट ऑन कर दी। तो अभी हम जा रहे हैं शायद आउट, मुझे पता नहीं है, वो जहाँ पे आज लेके जाएंगे वहीं पे आज हम खाना खाएंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, क्योंकि आज सुबह जल्दी खाना खाया था, उसके बाद बिल्कुल भी कुछ खाया नहीं, तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। और अभी तक बहुत सारे लोगों के मतलब रिलेटिव्स फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे हैं सबके, तो जो भी मेरे रिलेटिव्स या जो भी मेरे फ्रेंड्स मेरे व्लॉग देखते हैं, तो उन सबको बहुत सारा थैंक यू आपकी गुड विशेस के लिए। तो वैसे तो पर्सनली मैंने सबको थैंक्स बोला ही है, लेकिन फिर भी ब्लॉग के जरिए से भी मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगी। तो थैंक यू सो मच, और सबसे बड़ा थैंक यू इनको, थैंक यू। तो अभी सीधा हम खाना खाएंगे वहाँ पे, मैं आपको मिलती हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो फिर सीधा कल सुबह मुलाकात हो। बाय बाय। ये पिऊंगी, आवडला सोल कढी ती, ने खाना खाया होटल गायत्री में, वेज नॉन वेज दोनों भी मिलता है, तो हमने वेज थाली ली थी।
दो सब्जी, दाल, राइस, भाकरी, चपाती, शायद दो टाइप की भाकरी थी, और सलाद वगैरह ये जो मिलता है नॉर्मल वही, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो नॉनवेज नहीं खाया क्योंकि आज मंडे है, हस्बैंड बोल रहे थे तुम्हें खाना है तो खाओ, पर नहीं खाया। हाँ, फ़ोटो लिया है मैंने थाली का, तो वो पोस्ट करूँगी मैं। अगर आप लोग कभी मतलब अगर आप लोग इस एरिया में रहते हो, पूना में रहते हो, मतलब पूना नहीं, आउंद के पास, यूनिवर्सिटी के आसपास, इस तरह के एरिया, हाँ, इस एरिया में रहते हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। नॉनवेज बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, इवन सभी लोग नॉनवेज खा रहे थे। अगर किसी को ट्राई करना है, इस एरिया में रहता है, उनका जो मिड पॉइंट, मेडी पॉइंट जो हॉस्पिटल है बड़ा वाला, उसी रोड पे है ये बड़ा सा होटल, एकदम वाड़ा टाइप, उन्होंने थोड़ा महाराष्ट्रन टाइप में उसका इंटीरियर किया है। खाने की टेस्ट बहुत ही अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जितने लोग खा रहे थे उनको देख के तो लग ही रहा था कि नॉनवेज भी बहुत ही अच्छा मिलता होगा यहाँ पे। तो हमने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया, ऐसे ढूंढते ढूंढते आए और चले गए, तो पता नहीं था या फिर किसी ने बोला नहीं था, लेकिन आज हस्बैंड ने बोला कि कुछ नया ट्राई करते, कहीं नई जगह पर जाते। तो अभी हम घर जा रहे हैं, 11 बज चुके हैं, सुबह हस्बैंड को जॉब पर भी, मतलब अपने काम पर भी जाना है। तो इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी, और मिलती हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग में। सो गुड नाइट, बाय बाय, और ये तो रहेगा नहीं बाय बोले भी ना।